हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, हम ट्वेल्थ बायो चैप्टर नंबर थ्री की बारे में बात कर रहे थे और हमने इसके लिए एक लेक्चर शूट भी कर चुके हैं इसके लिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर टू ट्वेल्थ बायो चैप्टर नंबर थ्री के लिए, और ये हमारा जो पार्ट है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन तंत्र। और मानव जनन तंत्र में हमने सबसे पहले देखा था, यानी कि सबसे पहले तो एक काम कीजिए, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो सबसे पहले आप उसको वीडियो को जाकर देखिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा था जनन किसे कहते हैं, कि जो भी सजीव होते हैं वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। यानी कि जनन क्यों आवश्यक है, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, जनन रिप्रोडक्शन या इसको कह दें प्रजनन। इसके बाद हम बात कर रहे थे शब्दावली, यानी कि इस पाठ से संबंधित कुछ परिभाषाएं कुछ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले हमने देखा था युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, नर में युग्मक जनन यानी कि नर में जो युग्मक बनते हैं उनको शुक्राणु कहते हैं, तो नर में युग्मक जनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रकार से मादाओं में जो अंडाणु हैं उनको क्या कहते हैं, मादा युग्मक। तो अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को कहते हैं ओजेनेसिस। इसके बाद हमने बात की थी विर्यसेचन, कि नर द्वारा वीर्य को कहाँ उत्सर्जित करना, मादा जननांगों में उत्सर्जित करना, क्या कहलाता है, विर्यसेचन, इनसेमिनेशन कहलाता है, निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन की क्रिया को, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और युग्मनज को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। और मैंने बताया था इसका आकार कितना होता है, एक सुई की नोक के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं हम पांचवी परिभाषा की तरफ। देखिए चार परिभाषाएं कौन कौन सी, एक तो युग्मक जनन हम पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस, वीर्यसेचन पढ़ चुके हैं और इसी प्रकार से युग्मनज यानी कि जाइगोट भी पढ़ चुके हैं। आज हम अगली परिभाषा लेने जा रहे हैं जो है विदलन। हमारी अगली परिभाषा क्या है, विदलन को क्लीवेज कहा जाता है। याद रखिए कि दोनों नाम, विदलन क्या है, देखिए कि शुक्राणु ये हमारा क्या है, स्पर्म है, शुक्राणु है, और ये क्या है, अंडाणु है। गोल नहीं बना, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। और युग्मनज से किसका निर्माण होता है, पूरे भ्रूण का। तो देखिए हम बात कर रहे हैं विदलन की, कि जो युग्मनज होता है एक कोशिकीय, कैसा होता है ये, यूनिसेल्यूलर। एक कोशिकीय, जब इस युग्मनज में बहुत सारे विभाजन होते हैं तो जो विभाजन होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, विदलन। और कैसे विभाजन होते हैं, ये समसूत्री विभाजन। तो यानी कि युग्मनज में होने वाले विशेष समसूत्री विभाजन क्या कहलाएंगे, विदलन कहलाएंगे। तो मैं परिभाषा क्या लिखूंगा, अब इसको हटा देता हूं मैं ये समझने के लिए। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, कि युग्मनज में होने वाले विशेष समसूत्री विभाजनों को, युग्मनज में यानी कि जाइगोट में होने वाले विशेष समसूत्री विभाजनों को क्या कहा जाता है, विदलन कहा जाता है। अब देखिए युग्मनज में यानी कि जाइगोट में जैसे जैसे विभाजन होंगे इसके आकार में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनना, पहले आकार में चेंज नहीं होता, इसकी कोशिकाओं में चेंज होता है। जैसे कि मान लो युग्मनज का आकार इतना बड़ा है, तो अब युग्मनज इतना ही बड़ा रहेगा लेकिन इसमें कोशिकाएं कितनी हो जाएंगी, दो कोशिकाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से फिर इसका आकार वही रहेगा लेकिन इसमें अब कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी, चार कोशिकाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, युग्मनज के आकार में चेंज नहीं आता, युग्मनज में कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। और कोशिकाओं की संख्या कितनी होती जाती है,
सबसे पहले युग्मनज में एक कोशिका होती है, उसके बाद 2, 4, 8 इस प्रकार से, फिर कितने हो जाएंगे 16, फिर कितने हो जाएंगे 32। तो इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, यानी कि इन स्टेजों को क्या कहा जाता है, सबसे पहले जो स्टेज बनती है उसको मरूला अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरूला। उसके बाद क्या बनता है हमारे पास? ब्लास्टुला। क्या बनता है? ब्लास्टुला का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या बनता है? मरूला बनता है, फिर हमारे पास क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है, और सबसे एंड में बनता है गैस्ट्रुला। सबसे एंड में क्या बनता है? गैस्ट्रुला। तो मरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये इसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये क्या है? ये क्या है? ये युग्मनज में जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उन संरचनाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बनेगा? मरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा। इनके बारे में हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, पर फिलहाल के लिए इतना सा याद रखो कि सबसे पहले क्या बनता है? मरूला, उसके बाद बनता है ब्लास्टुला, और लास्ट में बनता है गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर बन जाते हैं जिनको हम जानते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों के जो है, जो परतें हैं, जनन स्तर इनको कहा जाता है, वो किस अवस्था में बनता है? गैस्ट्रुला अवस्था में बनता है। इन तीनों परतों से, कौन कौन सी तीनों परतें? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, इन तीनों परतों से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये तीनों परतें या तीनों जनन स्तर कहाँ बनते हैं? गैस्ट्रुला में बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो युग्मनज में होने वाले विशेष समसूत्री विभाजनों को विदरंग कहा जाता है। किसमें होते हैं? युग्मनज में। इससे क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन युग्मनज के आकार में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान से सुनना बात को, अभी युग्मनज के आकार में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बॉल के बराबर है तो बॉल के बराबर ही रहेगा, बस उसमें कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले मरूला बनेगा, उसके बाद ब्लास्टुला बनेगा, उसके बाद गैस्ट्रुला बनेगा, ठीक है। इसके बाद विदरंग के बाद मैं अगली परिभाषा ले रहा हूं, अंतररोपण। अंतररोपण, इम्प्लांटेशन। अंतररोपण, इम्प्लांटेशन, इधर लिखेंगे डेफिनेशन, जगह है। देखिए, ये हमारे पास क्या है? यहां पर अंडाशय होगा। ये क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। तो शुक्राणु और अंडाणु का संयोग यानी कि निषेचन की क्रिया यहां पर होती है, और यहां से ये जो निषेचित अंडाणु है, या अब मैं कह दूं इसको युग्मनज, यहां से ये क्या करता है? गर्भाशय की ओर आता है। देखो पहले क्या हुआ, अंडाणु यहां पर होता है, कहां पर? अंडाशय में। यहां से इसका अंडोत्सर्ग, जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, उसके द्वारा अंडाशय से अंडाणु को त्याग दिया जाता है। वास्तव में द्वितीयक ऊसाइट होता है, इसको यहां पर त्याग दिया जाता है। और जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु योनि मार्ग से इधर के लिए आते हैं, और यहां पर जाकर दोनों का संयोग हो जाता है, यानी कि निषेचन की क्रिया हो जाती है। अब निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है? जो निषेचित अंडाणु है, या मैं इसको कह दूं युग्मनज, वो वापस कहां आता है? कहां आता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय में जो 3 स्तर होते हैं, उनमें से सबसे आंतरिक स्तर जो होता है एंडोमेट्रियम, क्या होता है? सबसे आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम। उस एंडोमेट्रियम, मैं नाम लिख देता हूं, क्या है नाम? एंडोमेट्रियम। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया और फेमस क्वेश्चन है। इस परत का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम स्तर में आकर इसका क्या हो जाता है? रोपण हो जाता है। इस एंडोमेट्रियम में आकर ये जो युग्मनज आ रहा है, इसका क्या हो जाता है? रोपण। अब यहां से देखो, जैसे ही युग्मनज बना था, यहां से कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। और यहां पर जैसे जैसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, बहुत हार्मोनल कंट्रोल चेंजेस आते हैं यहां पर इसकी संरचना में भी चेंज आते हैं। तो कौन कौन से चेंज होंगे, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी क्या बात कर रहे हैं हम? परिभाषा की। तो अंतररोपण आ गई होगी बात समझ में। किसे कहेंगे? कि भ्रूण का मादा के गर्भाशय में। अब मैं ऐसे ना दूं परिभाषा कि मादा के गर्भाशय की जगह मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूं? एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय में। अब वास्तव में एंडोमेट्रियम और गर्भाशय एक नहीं है, गर्भाशय में 3 परतें होती हैं, उनमें से सबसे आंतरिक जो परत है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो भ्रूण का मादा के गर्भाशय में रोपण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतररोपण कहलाता है। तो भ्रूण का मादा के गर्भाशय में रोपण होना, या ऐसे कह दूं, या आंतरिक दीवार से, गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपकना क्या कहलाएगा?
अंतररूपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतररूपण। यानी कि जैसे ही युग्मनज आया, कोशिकाओं में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और यहाँ से आते आते इसमें 8 कोशिकाएँ, 12, 16 कोशिकाएँ, 32 कोशिकाएँ होने लग जाती हैं। और इस जो आंतरिक परत है गर्भाशय की, एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, इस आंतरिक परत में ये जो भ्रूण आ रहा है वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, क्योंकि यहीं पर अब क्या होना, उसका डेवलपमेंट होना है। 9 महीने तक बच्चा यहीं पर रहेगा, तो 9 महीने के लिए होने के लिए उसको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो इस रुकने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंतररूपण कहते हैं। तो भ्रूण का मादा के गर्भाशय में रूपण होना, भ्रूण का मादा के गर्भाशय में या मादा के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति में या परत में रोपण होना ही या आंतरिक दीवार से चिपकना ही क्या कहलाता है? अंतररोपण कहलाता है। इसके बाद की अगली परिभाषा है हमारे पास गर्भावधि। अगली परिभाषा क्या है? गर्भावधि, इसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। गेस्टेशन पीरियड, ये सिंपल सी परिभाषा है। गर्भ की अवधि यानी कि माता के शरीर में कितने टाइम के लिए, माता के शरीर में या मादा के शरीर में कितने टाइम के लिए शिशु यानी कि भ्रूण रहता है, इस अवस्था को कहते हैं गर्भावधि। क्या कहते हैं इसको? गर्भावधि। तो गेस्टेशन पीरियड की शुरुआत कहाँ से होती है? निषेचन से। निषेचन से कब तक? प्रसव की क्रिया के तक। प्रसव किसे कहते हैं? शिशु का बाहर आना, मादा के शरीर से शिशु का बाहर आना, वो तो क्या कहलाता है? प्रसव। अगली परिभाषा उसी को लेंगे हम। तो गर्भावधि किसे कहेंगे? कि निषेचन से लेकर प्रसव तक की अवधि को, निषेचन से लेकर प्रसव तक, दूसरा मार्कर यूज कर दें, की अवधि को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। निषेचन से लेकर प्रसव तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, गर्भावधि कहा जाता है, जो कि मानव में 270 दिन यानी कि 9 महीने की होती है। मानव में एग्जाम्पल की बात करें तो मानव में कितनी होती है? 270 दिन, या मैं इसको कहूँ मंथ की बात करें तो हम 9 मंथ्स, 9 माह है। सर्वाधिक गर्भावधि किसने में होती है? तो हथिनी में पाई जाती है, लगभग 2 साल। कितने साल? लगभग 2 साल। मानव की बात कर रहे हैं, मानव जननतंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो क्या बात करेंगे कि मानव में गर्भावधि कितनी होती है? लगभग 270 दिन यानी कि 9 महीने। इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा है, मैं ऊपर लेता हूँ, युग्मक जनन वगैरह को हटा देता हूँ, क्योंकि इनके बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। जो लास्ट परिभाषा आ रही है वो हमारी 8वीं, प्रसव। प्रसव किसे कहते हैं? शिशु 9 महीने में या 270 दिन में मादा के शरीर में या गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति में विकसित हो जाता है। और विकसित होने के बाद कितने दिनों बाद? 270 या 9 महीने बाद, 270 दिन या 9 महीने बाद वो माता के शरीर से बाहर निकलता है। और बाहर निकलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। तो क्या परिभाषा देंगे? कि विकसित शिशु या शिशु के जन्म की क्रिया को, शिशु के जन्म की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है हमारा क्या, अभी तक हमने किसकी बात की? सिर्फ और सिर्फ कुछ काम आने वाली परिभाषाओं की, सिर्फ और सिर्फ कुछ काम आने वाली परिभाषाओं की। इनका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। तो ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इस पाठ में दो जो चीज़ें हमें मुख्यतः पढ़नी है वो है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम लेंगे नर जनन तंत्र को। सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे? नर जनन तंत्र को। तो हेडिंग डालेंगे हम नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको समझने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 3 डिवाइड में। भाई नरजनन तंत्र में क्या होगा? हमें जनन तंत्र के अंतर्गत केवल किसका अध्ययन करना है? नर का। तो नरजनन तंत्र को कितने भागों में? 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। दूसरे आते हैं सहायक जनन अंग, जो जनन में सहायक हैं। और तीसरी आती है हमारी सहायक जनन ग्रंथियां,
सहायक जनन ग्रंथियां। तो नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांट दिया गया है? तीन भागों में। सबसे पहले तो क्या है हमारे पास? प्राथमिक जनन अंग। दूसरा क्या है? सहायक जनन अंग, यानी कि जो जनन में सहायता करते हैं। और तीसरी है सहायक जनन ग्रंथियां, यानी कि जो ऐसी ग्रंथियां हैं जो जनन में सहायता करती हैं। प्राथमिक जनन अंग में सिर्फ और सिर्फ केवल एक चीज को रखा जाता है, वो क्या है? वृषण। वो क्या है? वृषण, जिसे टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। सहायक जनन अंग में अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, किसको शामिल किया गया है? अधिवृषण को शामिल किया गया है, क्या गया? और शुक्र वाहिनियां हैं। किस किस को शामिल किया गया है? एक तो है अधिवृषण, दूसरी है शुक्र वाहिनियां, और तीसरी है शिश्न। इन तीन संरचनाओं को, तीन अंगों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? सहायक जनन अंग। मुख्य जनन अंग तो कौन है? वृषण, जिसे हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, वृषण है। सहायक जनन अंग में बात करेंगे हम अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां और शिश्न की। इसी प्रकार से जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं उसमें हम बात करेंगे एक तो शुक्राशय की, किसकी? शुक्राशय की। एक ग्रंथि है जो है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि। दो मुख्य ग्रंथियां हैं जो है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक और छोटी सी ग्रंथि है जो इसमें काम आती है, वो है काउपर्स ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? काउपर्स ग्रंथि। तो इन तीन भागों में, तीन हेडिंग्स में हमारे नर जनन तंत्र को बांट दिया गया है। सबसे पहले किसको? प्राथमिक जनन अंग, उसमें केवल किसको शामिल किया गया है? वृषण को। सहायक जनन अंग में अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां और शिश्न। अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां और शिश्न को, और सहायक जनन ग्रंथियां, यानी कि नर जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां भी सहायक होती हैं, जिसमें कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल हैं? एक तो शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि, एक काउपर्स ग्रंथि। तो तीन ग्रंथियां हैं, तीन सहायक अंग हैं और एक प्राथमिक जनन अंग है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर में प्राथमिक जनन अंग के रूप में कौन सा अंग या कौन सी संरचना कार्य करती है? नर में प्राथमिक जनन अंग के रूप में कौन सी संरचना या कौन सा अंग कार्य करता है? तो आंसर होगा हमारा वृषण। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? तो वहां पर हमारा आंसर होगा अंडाशय, ओवेरी। यहां पर कौन है? टेस्टिस। वहां कौन होगा? ओवेरी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राथमिक जनन अंग और उसमें किसकी? वृषण की। इसको छापे। चलिए, चित्र भी बनाएंगे हम, लेकिन चित्र को हम बनाएंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे हेडिंग? वृषण, टेस्टिस। वृषण की उपस्थिति ही पहचान है कि ये नर है या मादा है। तो वृषण जिसमें पाए जाते हैं वो कौन है? नर है। अब देखिए कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कितने? नर में दो, यानी कि क्या कहेंगे इसको? एक जोड़ी वृषण। नर में दो यानी कि एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी। नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अभी हमने बात की थी, जिन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है या कहलाते हैं या कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग कह दो या प्राथमिक जनन अंग कह दो, किसे कहेंगे? नर में बात करेंगे तो वृषण को। तो नर में दो यानी कि एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जिन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अब देखिए, अगर मानव की बात करें तो वृषण बाहर पाए जाते हैं, वृषण कोश में, शरीर के बाहर स्थित होते हैं, लेकिन सभी नर में ऐसा नहीं होता। अभी बात करेंगे आगे। फिर इसी में बात करते हैं आगे रंग की। तो ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। पहली बात, एक जोड़ी पाए जाते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जनन अंग इनको कहा जाता है। और दूसरी बात, हमने क्या लिखा है? ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और ये मानव की बात करें तो मानव में ये शरीर से बाहर एक संरचना में स्थित होते हैं, या एक थैलेनुमा संरचना में, एक थैला है,
एक थैलीनुमा संरचना में, एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसे किसी थैलीनुमा संरचना हो, किसी थैलीनुमा संरचना हो, तो मारम में ये यानी कि वृषण, दोनों वृषण शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वृषण कोश, जिसे वृषण कोश स्क्रोटम, वृषण कोश स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो वृषण है वो नर मानव की बात कर रहे हैं, नर मानव की बात मत करो, जिन नरों के वृषण बाहर होते हैं शरीर से उन सब में किसमें होंगे? वृषण कोश में, यानी कि मानव में ये जो वृषण है वो शरीर से बाहर स्थित होते हैं। अभी बात करेंगे क्यों स्थित होते हैं, तो शरीर से बाहर स्थित होते हैं, किसमें स्थित होते हैं? एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। कारण क्यों है? क्योंकि देखिए बेटा, जो वृषण में किसका निर्माण होता है ये याद है हमें, शुक्राणुओं का। वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। और शुक्राणुओं का मानव में बात करूं तो शुक्राणुओं का निर्माण 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे मानव शरीर की बात करें तो मानव जो शरीर है उसका टेम्परेचर कितना है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। इस 37 डिग्री सेल्सियस पर जो शुक्राणु है स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो एक्रिय होंगे, सक्रिय नहीं होंगे। तो क्या किया जाता है, इनके टेम्परेचर की लगभग 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है याद रखना है? 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब कितना कम? लगभग 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए, किससे? बॉडी की तुलना में। तो क्यों पटकी ये थैलीनुमा संरचना या वृषण कोश में? क्योंकि उदर गुहा की तुलना में, उदर गुहा बोले तो पेट, या हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो उदर गुहा और वक्ष गुहा क्या है, हमारा जो शरीर है इसको क्लियर कर लेना भाई, हमारा जो शरीर है वो एक ड्रम की तरह है, खोखले ड्रम की तरह है, और यहां पर क्या पड़ा है, इसे कहते हैं हम डायफ्राम। क्या कहते हैं इसको? डायफ्राम, हिंदी में तनुपट। इसके ऊपर के जो भी स्थान है इसे वक्ष गुहा कहा जाता है, थोरेसिक कैविटी, और जो नीचे वाला भाग है डायफ्राम के उसे उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े। यहाँ पर हमारा हृदय पाया जाता है, और यहाँ पर ऐसे पसलियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पसलियाँ। ये तो कहाँ है हमारा? यहाँ पर। अब नीचे बीच में कौन आ गया? यहाँ पर तनुपट्ट आ गया, डायफ्राम। यहाँ से नीचे यहाँ क्या पाया जाता है? आमाशय पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर हमारा लीवर पाया जाता है। यहाँ पर ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत पाई जाती है। यहाँ पर अग्नाशय पाया जाता है, अग्नाशय के पास में प्लीहा पाया जाता है। ये हमारी क्या आ गई? बड़ी आंत। यहाँ से ये क्या होती है? बड़ी आंत बाहर खुलती है। तो इतने सारे सिस्टम्स हैं यहाँ पर, पास में पीछे की ओर कौन आ जाएंगी? किडनी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे शरीर को डायफ्राम ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो जो ऊपर वाला भाग है हमारे सीने वाला, इसको कहते हैं हम वक्ष गुहा, और जो हमारा पेट है उसको कहते हैं हम उदर गुहा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? उदर गुहा की। किसकी बात कर रहे हैं? उदर गुहा की। तो क्योंकि उदर गुहा के तापमान पर, या ऐसे लिख दूं, क्योंकि उदर गुहा का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर क्या नहीं होगा? शुक्राणुओं का निर्माण, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। देखो बेटा, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ लैंग्वेज थोड़ी अलग यूज करते हैं, और नोट्स लिखाते हैं तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, है ना? यहाँ पर शॉर्ट लिखाना पड़ता है, पूरी डिटेल नहीं लिख सकते। तो क्योंकि उदर गुहा का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, अतः अब क्या किया प्रकृति ने या गॉड ने? क्या किया कि 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम टेम्परेचर वाला कोई स्थान बना दिया जाए जहां पर इन वृषणों को रखा जाए। तो किसका निर्माण किया? वृषण कोश का, नेचर ने। अतः वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से, किसका तापमान? अतः वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये याद रखना भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है?
किसकी तुलना में? देखो ये इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कम होता है किससे? हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। ये नहीं है कि दूषण कोष में तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं। ठीक है, ही सोच लेना है कि वृषण कोष का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो क्या है शरीर के ताप की तुलना में इतना कम होता है। कितना कम होता है? वृषण कोष का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों कम होता है? रीजन आ गया होगा समझ में, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या शरीर के तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए वृषण कोष में वृषणों को रखा गया। क्यों? ताकि कम टेम्परेचर हो जाए और वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो जाए। आगे बात करते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यानी कि कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस में 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस तो लगभग कितना आ जाएगा, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है किसका, वृषण कोष का। अब एक और चीज़ जो हमारी बुक एनसीईआरटी में नहीं दे रही, दो यहाँ पर पीसियाँ पाई जाती हैं दो प्रकार की। जैसे कि मान लो ये कोई नर है, ये उसके पैर मान लिया हमने, सामने से देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं उसके, यहाँ पर पाया जाता है ये वृषण कोष है, ये क्या है वृषण कोष है, ये क्या है वृषण कोष स्क्रोटम। तो यहां पर दो प्रकार की मसल्स भी पाई जाती हैं, अभी बात करेंगे यहां पर क्या क्या पाए जाते हैं। तो अगर दो स्क्रोटम में दो प्रकार की मसल्स भी पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं एक तो क्रीमास्टर मसल्स, जो हमारी एनसीईआरटी नहीं दे रही है, क्रीमास्टर पेशियां मसल्स। ठीक है, कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, क्रीमास्टर, और एक और होती है डार्टोस पेशियां, डार्टोस पेशियां। ये दो प्रकार की पेशियां कहां पाई जाती हैं? अब मैं इसको इधर से बना दूं, सामने की ओर से, तो ये कैसी संरचना है, कुछ ऐसे। यहां पर क्या स्थित होते हैं, वृषण स्थित होते हैं, क्या स्थित होते हैं, वृषण स्थित होते हैं। तो क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस पेशियां क्या करती हैं, जब हम सर्दियों के मौसम में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, जब सर्दियों के मौसम में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि वृषण कोष का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। तो ये दोनों पेशियां क्या करती हैं, सर्दियों के मौसम में इस पूरे वृषण कोष को शरीर के पास में ले आती हैं खींचकर। क्या कहा मैंने, ये जो दोनों पेशियां हैं वो इन वृषण कोषों को या वृषणों को शरीर के और पास में ले आती हैं। कब? जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो, यानी कि सर्दी के मौसम में, क्योंकि पूरी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच लेती हैं, किसको, वृषण कोष को। कौन सी पेशियां, क्रीमास्टर और डार्टोस। हालांकि इनके बारे में हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेना, काम की चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके उद्भव की बात करता हूं मैं, कि इनका निर्माण किससे हुआ है, किसका, वृषणों का। तो अभी मैंने बात की थी गैस्ट्रुला, तो गैस्ट्रुला में क्या होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जो वृषण है इनका निर्माण मेसोडर्म से होता है, तो इनका उद्भव किससे, मेसोडर्म से। किससे होगा इनका उद्भव, मेसोडर्म से। किससे होगा, मेसोडर्म से। मेसोडर्म क्या है समझ गए, जो गैस्ट्रुला होता है, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया, उसमें 3 जनन स्तर बनते हैं, 3 जनन स्तर, 3 जर्म लेयर, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो वृषण का निर्माण किससे हुआ है, मेसोडर्म से। किससे हुआ है, मेसोडर्म से। और जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, भ्रूण अवस्था में वृषण, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, यानी कि माता के पेट में होते हैं, तो वृषण डायरेक्ट शरीर के बाहर नहीं होते, वृषण हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। क्या कहा, जब हम माँ के पेट में होते हैं, नर शिशु की बात कर रहे हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारे वृषण शरीर से बाहर नहीं होते, हमारे वृषण शरीर से बाहर नहीं होते, कहाँ होते हैं, हमारे पेट के अंदर होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं, तो मेसेंकाइम नामक, तो भ्रूण अवस्था में वृषण मेसेंकाइम नामक पेरिटोनियम झिल्ली, मेसेंकाइम नामक पेरिटोनियम झिल्ली से किससे जुड़े होंगे, उदर गुहा से, उदर गुहा से जुड़े होते हैं। क्या कहा मैंने, मान लो ये हमारा शरीर है माता के पेट में, हमारे माता के पेट में ये हमारा शरीर है, तो हम क्या कह रहे हैं कि भ्रूण अवस्था में वृषण पहली बात बॉडी के अंदर होते हैं, तो मेसेंकाइम नामक जो पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा से जुड़े होते हैं। तो मान लो ये माता के पेट है, ठीक है, हम कहाँ हैं अभी, माता के पेट के अंदर हैं, शरीर के अंदर है, पेट के अंदर नहीं गए, तो गर्भाशय के अंदर कह दें। और ये हम क्या हैं, तो हमारे वृषण कहाँ होंगे, हमारे शरीर के अंदर होंगे। मान लीजिए ये क्या है, हमारे दोनों वृषण है, तो कहाँ है भाई,
शरीर के अंदर हैं, और किस भित्ति के द्वारा इससे जुड़े हुए हैं हमारे दोनों वृषण, तो वो इस झिल्ली का नाम होगा या इस भित्ति का नाम होगा मेसोरकियम। क्या नाम होगा? मेसोरकियम। और ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की पेरिटोनियम झिल्ली है। ये एक प्रकार की क्या है? पेरिटोनियम झिल्ली। अब फिर समस्या बचती है कि सर पेरिटोनियम क्या है? तो देखिए, हमारा जो शरीर है, मान लो अब ये हमारा शरीर है, तो इसके अंदर जो भी अंग पाए जाएंगे, मान लो ये फेफड़े हैं, ये मान लो हृदय है, ये मान लो किडनी है। क्या है? किडनी। तो जितने भी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को ही, या इस आवरण की जो झिल्ली बनी हुई है ना भाई, इसी को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। अंतरांग पेरिटोनियम या विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। तो वास्तव में जो मेसोरकियम झिल्ली है वो वास्तव में क्या है? एक पेरिटोनियम झिल्ली है। पेरिटोनियम झिल्ली मतलब हमारे जो वृषण के ऊपर का जो आवरण होगा बारीक पतला, उसको क्या कहेंगे? ये एक प्रकार की पेरिटोनियम है और इसको नाम दिया है मेसोरकियम। लेकिन ये कब कहाँ होगा? जब हम माँ के पेट में होंगे। ठीक है, तो उद्भव की बात करें तो वृषण का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। और जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो ये मेसोरकियम नामक संरचना से, या नामक पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा में जुड़ा रहता है। और अब भ्रूण अवस्था से जैसे हम बाहर आते हैं, तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो अभी शरीर के अंदर है वृषण, ये कब बाहर आती है? तो ये आते हैं बेटा सातवें महीने में, सातवें माह में, ऐसे लिखते हैं, वृषण उदर गुहा से बाहर आते हैं। जन्म के सात महीने बाद नहीं, जब माँ के पेट में हमारे सात महीने कंप्लीट हो जाते हैं। कितने महीने के लिए रहते हैं माँ के पेट में? नौ महीने के लिए। कितने महीने? नौ महीने या 270 दिन। तो सातवें महीने में लगभग लगभग, अब दिन फिक्स नहीं है इस दिन आएंगे, है ना, सातवें महीने में लगभग लगभग ये क्रिया संपूर्ण हो चुकी होती है। तो सातवें महीने में वृषण उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे? वृषण कोश में। कहाँ जाएंगे? वृषण कोश में। तो अभी तक हमने क्या बात की? कि नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। मानव में ये शरीर से बाहर एक थैलेनुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसे स्पुटम क्या कहते हैं? वृषणकोश कहते हैं। क्यों कहते हैं? मतलब क्यों कहते हैं? नहीं, क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि जो उदर गुहा का तापमान है वो लगभग बॉडी के तापमान के बराबर होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वृषणकोश को टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्यों? शुक्राणु के फॉर्मेशन के लिए। कितना टेम्परेचर कम होगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा उदर गुहा की तुलना में। उद्भव की बात करें तो वृषणों का निर्माण कैसे होता है? मेसोडर्म से होता है। और जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो वृषण मेसोरकियम नामक पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा से जुड़े होते हैं। मेसोरकियम क्या है? समझा दिया है। पेरिटोनियम क्या है? समझा दिया है। और ये सातवें महीने में हमारे शरीर के बाहर आ जाते हैं। और नौ महीने में हमारा क्या हो जाता है? प्रसव क्रिया हो जाती है, यानी कि हम माँ के शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव क्रिया कहते हैं। उद्भव की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके साइज की, आकार की। आकार, तो देखिए जो वृषण होते हैं वो अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार। बेटा अंडाकार देखो, ये तो है गोल, लेकिन ये क्या है? अंडाकार है। तो वृषण कैसे होते हैं? वृषण होते हैं अंडाकार। ये क्या हो गया? वृषण हो गया अंडाकार। इसकी साइज की मैं बात करूं, अंडाकार होते हैं, साइज इनकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और लंबाई की बात करूं तो वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। इसको बना लेना। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो वो तो कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, जबकि जो लंबाई है इसकी वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा लिख दूं भाई, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसको याद करना, कैसे करोगे? 2, 3, 4, 5। तो 2 से 3 सेंटीमीटर तो इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है, जबकि लंबाई इसकी कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें, लंबाई को जरूर लिखें, आगे चलते हैं फिर। चलो हटा दूं। चलिए समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना। अपन क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं और लाइक किए बगैर निकल लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हम वीडियो को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुछ हेल्प हो रही है, आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो भाई। फायदा मेरा भी नहीं है, नुकसान मेरा भी नहीं है। हाँ, नुकसान मान सकते हो, क्योंकि YouTube में जो लाइक्ड वीडियो होते हैं वो जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ बेटा किसकी, कि जो हमारा ये मान लो पेट है, ये पैर मान लो, पैर मत बनाओ, ये हमारा क्या है? पेट है।
अब पेट और यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये स्क्रोटम है, ये वृषणकोश है, क्या है ये हमारा वृषणकोश है, स्क्रोटम है, ये जुड़ा हुआ है भाई। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पेट और वृषणकोश के बीच में, हमारे पेट और वृषणकोश के बीच में ऐसे करके दो नलियाँ पड़ी हुई हैं। कितनी नलियाँ पड़ी हुई हैं, दो नलियाँ पड़ी हुई हैं। मतलब सोचो, जैसे मान लो ये पेट है, तो यहाँ से मैं एक थैला यहाँ पर जोड़ना चाहूँ तो क्या करूँगा, उसमें से दो नलियाँ जोड़ूंगा और दोनों नलियों में ही वास्तव में वृषण पड़े हुए हैं। तो देखिए, इस नली को क्या कहा जाता है, भक्षण नाल। क्या कहा जाता है इसको, भक्षण नाल, या इसको कहीं किसी किताबों में वृषण नाल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भक्षण नाल कह दो या इसको वृषण नाल कह दो, और इंग्लिश में इसको इनग्वाइनल कैनाल कहा जाता है। इस नाम से ये पूछी गई है एक बार नीट के पेपर में, किस नाम से, इनग्वाइनल, इनग्वाइनल नाम से ये पूछी गई है। तो परिभाषा क्या होगी, भक्षण नाल या वृषण नाल या इनग्वाइनल नाल की जो परिभाषा है वो क्या होगी, कि वृषणकोश और उदर गुहा, वृषणकोश और उदर गुहा में या को आपस में एक खोखली नली जोड़ती है। क्या लिखूंगा मैं, वृषण नाल या भक्षण नाल की परिभाषा, उदर गुहा में वृषणकोश। एक तो उदर गुहा और दूसरी हमारे पास कौन सी संरचना है, तो वो है वृषणकोश। तो उदर गुहा और वृषणकोश आपस में एक खोखली नाल द्वारा वृषणकोश एवं उदर गुहा आपस में एक खोखली नाल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे वृषण नाल या दूसरा नाम हमने यहां लिखा है भक्षण नाल, और इसको क्या कहते हैं, इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं, इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं। क्योंकि बेटा अगर पूरा पेट पैक होता, पूरा पेट पैक होता, जैसे मान लो ये छत है, छत के नीचे अगर छत में से जगह ही नहीं होती तो कैसे वृषण उतर दे, तो किस नली के द्वारा उतरते हैं, इनग्वाइनल कैनाल के जरिए, इनग्वाइनल कैनाल के जरिए उतरते हैं। और यहीं से अब देखो क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि वृषण से क्या हो जाती है, वृषण से शुक्रवाहिनियां बाहर निकलती हैं। तो शुक्रवाहिनियां यहां से निकलकर कहां जाती हैं, वापस पेट में पहुंचती हैं, श्रोणि भाग है, श्रोणि प्रदेश, पेल्विक रीजन में पहुंचती हैं। तो ये भी कहां से जाएंगी, यहीं से जाएंगी। वृषण को ब्लड भी तो चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए इनकी कोशिकाओं की, तो वो जो ब्लड वेसल्स है वो भी भक्षण नाल से होकर ही वृषणों के पास पहुंच रही है। आई होप समझ पा रही होंगी। जैसे ये हमारा पेट है और ये हमारा मान लो क्या है, कौन है, वृषणकोश। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर भी एक नलची है, इस नलची में भी कौन है, यहां पर वृषण पड़ा हुआ है, और इधर से भी ऐसे ही एक और नलची है, इसमें भी वृषण पड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या है, यहां पर उदर गुहा और जो वृषणकोश है, इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है, एक नाल है, इसी को भक्षण नाल या वृषण नाल कहते हैं, इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं। इसी में से क्या होगी, यहां पर ब्लड लेके आने वाली जो वेसल्स होंगी वो होंगी सेम, इसी प्रकार यहां पर होंगी। और यहां से जो अधिवृषण से, सॉरी वृषण से क्या निकलेंगी, यहां से हमारे पास शुक्रवाहिनियां निकलेंगी, ये वापस कहां जाती हैं, बाहर की ओर, और मूत्राशय पर घूमती हैं, ऐसे मूत्राशय पर घूमती हैं, और यहां पेनिस के जरिए बाहर निकलती हैं। किसके जरिए बाहर निकलती हैं, पेनिस के जरिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। अब हालांकि हमारे पास क्या है कि 3D स्ट्रक्चर तो है नहीं हमारे पास, लेकिन मैं एक ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जोड़ देता हूँ। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्या भक्षण नाल है और किस प्रकार से ये बनी होती है या जुड़ी होती है। तो ये भक्षण नाल किस किस के बीच पाई जाएगी बेटा, याद रखना है, वृषणकोश और उदर गुहा के बीच में, वृषणकोश और उदर गुहा के बीच में, और इस नाल में या इस छत में, मतलब छत के ऊपर और इस कमरे में क्या अंतर है, वो उदर गुहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, भक्षण नाल में बैठा हुआ हूँ, यहाँ मान लो वृषण पड़ा हुआ है, तो वहाँ से एक नलची आ रही है, यहाँ से भी नलची जा रही है, वहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही हैं, लसिका वाहिनी आ रही हैं, और यहाँ से शुक्रवाहिनी जा रही है, कहाँ पर, पेट में। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर। अब लास्ट चीज, एक और चीज देखनी है हमें, इसको हटा देता हूँ। क्या देखनी है लास्ट चीज, कि जो हमारे पास वृषणकोश है, इस वृषणकोश में अंडाकार क्या रखे होते हैं, वृषण रखे होते हैं,
क्या रखे होते हैं, वृषण रखे होते हैं, और इन वृषणों और वृषण कोष के मध्य कुछ तंतु पाए जाते हैं, या मैं ऐसे कह दूं कि वृषण कोष और वृषणों को जोड़ने वाली संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, गुवर्निकुलम तंतु। गुवर्निकुलम तंतु क्या नाम दिया गया है इनको, गुवर्निकुलम तंतु नाम दिया गया है। क्या लिखोगे, स्टार लगा के लिखना है कि गुवर्निकुलम तंतुओं द्वारा, कौन से तंतु, गुवर्निकुलम तंतुओं द्वारा वृषण वृषण कोष की आधार सतह पर जुड़े होते हैं। क्या लिखोगे कि वृषण जो है वो गुवर्निकुलम तंतुओं द्वारा वृषण कोष की भित्ति से या वृषण कोष के आधार से जुड़े होते हैं। हालांकि इसमें वो मैंने मसल्स की बात की, मसल्स होंगे डाटोस एंड क्रीमास्टर होंगे। चलिए इसके बारे में लिख लोगे, लिखने ना भाई डिटेल लिख देता हूँ, चलो हाँ टाइम पास करोगे तुम। क्या लिखें गुवर्निकुलम तंतु के बारे में, जो वृषण है, वृषण गुवर्निकुलम, गुवर्निकुलम, अरे वृषण गुवर्निकुलम तंतुओं द्वारा वृषण कोष की भित्ति दीवार से जुड़े होते हैं। ये भी बेटा नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, किन तंतुओं के द्वारा वृषण कोष और वृषण आपस में जुड़े होते हैं, तो आंसर होगा गुवर्निकुलम तंतु। किस नाल के द्वारा उदर गुहा और वृषण कोष आपस में जुड़े होते हैं, तो आंसर होगा इनग्वाइनल कैनाल। इंग्लिश वर्ड आया था ध्यान देना, वो बक्षण नाल वृषण नाल आए नहीं थे, नाम नाम क्या आया था, इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल कैनाल या इनग्वाइनल नलिका। ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया यूस्टेगियन नलिका, तो फिर कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश वर्ड अगर याद नहीं करोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, बायो है, नीट का अगर आपका सपना है, या फिर भाई इंग्लिश याद करना कोई बुराई वाली बात थोड़ी है, इंग्लिश पकड़ा करो। अब लास्ट चीज, ऐसे जानवर, ऐसे प्राणी, ऐसे नर जिनके वृषण कोष बाहर होते हैं या अंदर होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो क्या होता है बेटा, ज़्यादातर जो नर हैं उनके वृषण कोष या उनके वृषण 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 कोष में स्थित होते हैं, और वृषण कोष कहाँ होता है, अधिकांशतः शरीर के बाहर। लेकिन कुछ ऐसे भी नर हैं जिनके वृषण वृषण कोष में स्थित नहीं होते, मतलब कहाँ स्थित होंगे, पेट में। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं उनमें है सबसे पहले हाथी, व्हेल, सील, डॉल्फिन, मछली जो है, हाथी, व्हेल, सील, डॉल्फिन, समुद्री गाय, इन सब में क्या होता है, इन सब में वृषण शरीर के अंदर होते हैं, शरीर के अंदर, ठीक है। और एक और नोट में लगा के लिखता हूं, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके वृषण होते तो अंदर हैं लेकिन जनन क्रिया के टाइम वो कहां जाते हैं, शरीर से बाहर आ जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो खरगोश, चूहा, बिल्ली, कौन कौन है, खरगोश, चूहा, बिल्ली और गिलहरी। एक और ले लो, गिलहरी में क्या करते हैं बेटा, ये चारों जनन के समय ही उदर गुहा से बाहर आते हैं। खरगोश, चूहा, बिल्ली, गिलहरी में वृषण जनन के समय ही उदर गुहा से बाहर आते हैं, बाकी कहाँ रहेंगे, उदर गुहा के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमने, आज के इस लेक्चर में हमने केवल और केवल किसकी बात की है, नर जनन तंत्र में, और उसमें भी हमने क्या देखा है अभी तक, मात्र और मात्र वृषण, क्या देखा है हमने, वृषण। एक और चीज देख लेते हैं भाई जल्दी से, हालांकि वो सिलेबस में है नहीं, देख लो, पर क्या है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो वृषण है, हमने देखा कि सातवें महीने में वृषण कोष में उतर जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वृषण सातवें महीने के बाद भी नहीं उतर पाते हैं कहाँ पर, वृषण कोष में। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो यानी कि वृषणों का वृषण कोष में न उतर पाना,
या नहीं उतरना क्या कहलाता है? गोपिक वृषणता, गोपिक वृषणता कहलाता है। क्या कहलाता है? गोपिक वृषणता कहलाता है। यह इसको क्रिप्टोकाइडिज्म कहा जाता है, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट लेकिन कोर्स में नहीं है इसलिए जानने के लिए ठीक है। क्या वृषणों का वृषण कोश में न उतर पाना क्या कहलाता है? गोपिक वृषणता कहलाता है या इसको क्रिप्टोकाइडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोकाइडिज्म। और अब नहीं उतरेंगे भाई, वृषण उतरे ही नहीं, कहां पर वृषण कोश में, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हाई है वृषण कोश का, और मैंने कहा टेम्परेचर अगर हाई है तो वृषणों में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। तो उच्च ताप के कारण ऐसे वृषणों में क्रिप्टोकाइडिज्म जो कंडीशन है इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, या शुक्राणुओं का निर्माण तो होगा लेकिन परिपक्व नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? परिपक्व न होना, परिपक्व न होना कहा जाता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, तो ये दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं जिनको याद कर लेना। क्या कि वृषण अगर वृषण कोश में नहीं उतर पा रहे हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं गोपिक वृषणता, गोपिक वृषणता। और हिंदी में सॉरी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको? क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोकाइडिज्म। और अगर वृषण नहीं उतरे हैं तो वहां पर वृषण कोशों का तापमान, सॉरी वृषणों का तापमान क्या हो जाएगा? उदरगुह के अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो उनमें क्या होगा? परिपक्व नहीं होंगे। कौन? शुक्राणु। तो शुक्राणुओं का परिपक्व न हो पाना क्या कहलाता है? एजोस्पर्मिया। क्या कहलाता है? एजोस्पर्मिया। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ वृषण की कुछ परिभाषाएं देखी सबसे पहले, तो उसके बाद हमने नर जनन तंत्र स्टार्ट किया है। और क्या देखा? नर जनन तंत्र में सबसे पहले वृषण, अभी वृषण कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे वृषण की आंतरिक संरचना। क्या देखेंगे? वृषण की आंतरिक संरचना। तो अगला लेक्चर बहुत जल्द यानी कि कल शूट करेंगे वृषण की आंतरिक संरचना पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।